हमने 0 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर्स के बारे में सुना है जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। हालांकि टेम्परेचर के मेजर के लिए सेल्सियस अधिक सामान्य तरीका है, फ़ारेनहाइट का कभी कभी इसके यूनिट ऑफ मेजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यहाँ एक विशेष तरीका है जिससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। यह सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। हम टेम्परेचर को सेल्सियस में 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 32 जोड़ देते हैं, और इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हुए हम फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में कन्वर्जन प्राप्त करते हैं। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर से 32 घटाएं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें और पूरे को 9 से डिवाइड करें। तो क्या लगता है कि आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा? 12 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्रीज फ़ारेनहाइट हैं? या 23 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस है? इसे थोड़ा प्रैक्टिकली रूप में देखें। अगर कोई आपसे रियल लाइफ में यह पूछता है तो वे एक परफेक्ट आंसर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जो आपको चाहिए वह एक अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है। इन फॉर्मूले का उपयोग करने से आपको सही आंसर मिलेगा, लेकिन आपको इस पर पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो आइए एक अप्रॉक्सिमेट आंसर पर पहुंचने का एक तेज तरीका देखें। मान लीजिए कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं। हमें बस इतना करना है कि टेम्परेचर जो सेल्सियस में है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 30 को जोड़ना है। इसका जवाब हमें फ़ारेनहाइट में मिलेगा। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और 30 जोड़ें। 20 + 30 = 50 degrees है। 10 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। 2 से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट में 30 जोड़ें। 17 डिग्री सेल्सियस 17 × 2 = 34 है, और 34 + 30 = 64 है। 17 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली 64 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। यदि हम फॉर्मूले का उपयोग करके एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें 10 डिग्री सेल्सियस एज 50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट मिला होगा। हाँ, हम यहाँ थोड़े खुशकिस्मत थे। और 17 डिग्री सेल्सियस एज 62.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट लगभग बराबर। टेम्परेचर जितना अधिक होगा डिफरेंस उतना ही बड़ा होगा। मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 + 30 = 130 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। एग्जैक्ट आंसर 122 है, 8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। और 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने पर हमें लगभग 230 डिग्रीज मिलता है, और एग्जैक्ट आंसर 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। इसलिए जैसे जैसे नंबर बढ़ता है डिफरेंस या आंसर में एरर भी बढ़ता जाता है। क्या यह नेगेटिव टेम्परेचर्स के लिए भी काम करता है? एब्सोल्युटली। मान लीजिए -15 डिग्री सेल्सियस -15 × 2 - 30 है, और -30 + 30 = 0 के बराबर है। -15 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस है। एग्जैक्ट वैल्यू 5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट आती है। इसलिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बस 2 से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट में 30 जोड़ें। और हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितनी जल्दी बदलते हैं? आसानी से हम 30 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट लें। हम 30 घटाते हैं और 70 प्राप्त करते हैं, और 70/2 = 35 के बराबर है। 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यदि आप एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करते हैं तो 37.7778 डिग्री सेल्सियस है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और 72 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बारे में क्या? 30 घटाएं और 42 प्राप्त करें।
42/2 21 है। 72 डिग्रीज फ़ारेनहाइट लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आइए अब -40 डिग्रीज फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने की ट्राई करें। 30 घटाकर हम -70 प्राप्त करते हैं और इसे 2 से डिवाइड करते हुए हम लगभग -35 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करते हैं। इन दो मामलों में एग्जैक्ट वैल्यू 22.222 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस है। दोनों मामलों में एरर काफी कम आया है। लेकिन क्या होगा अगर आप कन्वर्जन के तरीकों को भूल जाएं? याद रखें, सेम टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट हमेशा बड़ा होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना और 30 जोड़ना डेफिनेटली हमें एक लार्ज नंबर देगा। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं, और क्योंकि सेल्सियस एक स्मॉलर नंबर है, हम 30 घटाते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका यह है कि सी एफ से पहले आता है और इसीलिए सी एफ से छोटा है।